बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आज हम बना रहे हैं ओरियो पेस्ट्रीज़ विदाउट ओवन, और बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स थे, बहुत आसान है, तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओरियो पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए 18x20 ओरियोस, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और आधा कप रूम टेम्परेचर पर मिल्क। बस यही तीन चीज़ें हमें चाहिए, तो चले शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये ओरियो इसमें डालूंगी चॉपर के अंदर। और इसके साथ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ये इतना ये डाल के इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। ये देखिए ओरियो को मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया हुआ, मैं सारे एक बोल में शिफ्ट करूंगी। अब ये जो आधा कप दूध है, ये थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करना। थ्री से फोर पार्ट्स में डिवाइड करके दूध फिर आपने डालना है, एकदम से आपने सारा दूध नहीं डालना। अब मैंने केक मोल्ड के अंदर बटर पेपर लगा लिए, हल्का सा ऑयल लगाएंगे इसके अंदर और ब्रश से स्प्रेड कर लेंगे सारे बटर पेपर को। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा ऑयल डालें और फिर उसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करके आप उस तरह उसके ऊपर अपना मिक्सचर डाल लें अच्छी तरह डस्ट करके। अब ये जो सारा मिक्सचर हमने रेडी किया है दूध और ओरियोज का, ये मैं इसके अंदर शिफ्ट करूँगी। ये देखें सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसको हम 5 times टैप करेंगे ताकि जो बबल्स हैं एयर है वो निकल जाए। 1, 2, 3, 4 and 5। अब ये जो मैंने कढ़ाई या आप कोई भी कढ़ाई, पतीला, कुकर कुछ भी ले लें, उसको आपने प्री हीट करना है पहले 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे, और फिर उसके बाद हम ये अपना ध्यान से केयरफुली अपना ये जो मोल्ड है इसके अंदर रखेंगे, इसको बंद कर देंगे और आप आग को कर देंगे बिल्कुल दम वाली, बहुत लो, इतनी, ये देखें। और अब हम इसको 30 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। 30 मिनट्स के बाद मैं इसको एक दफ़ा देख लूँगी, नहीं तो फिर 10 मिनट्स के लिए और बेक कर लेंगे। और इसको बार बार वो खोलना नहीं है वरना वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा आपका। तो चलिए मिलते हैं अब 40 मिनट्स के बाद। 30 मिनट्स हो गए, अब मैं एक दफ़ा इसको चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, ये बिल्कुल साफ़ है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमारा केक बेक हो गया। अब मैं इसको करती हूँ बंद और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब तक हमारा केक ठंडा होता है तब तक हम इसकी आइसिंग बना लेते हैं। ओरियो पेस्ट्री की आइसिंग के लिए हमें चाहिए 2 tablespoons पिसी हुई चीनी, 1/4 cup ओरियो क्रम्स, 1/2 cup क्रीम, मैं वीपी विप ले रही हूँ, और उसके साथ 2 से 3 drops वनीला एक्सट्रैक्ट के। सबसे पहले ये 1/2 cup क्रीम जो है ये मैं इसके अंदर डालूंगी। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम पहले ऐसे ही ब्लेंड करेंगे। अब इसके अंदर ये मैं शुगर ऐड करूंगी और साथ ही 1 से 2 drops वनीला एक्सट्रैक्ट के, और इसको फिर से ब्लेंड करूंगी कि ये अच्छी तरह साफ हो। क्रीम में ये अच्छी तरह फ्लफ हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये ओरियो क्रम्स और इसको एक दफा अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। ये देखें जी, हमारी फ्रॉस्टिंग रेडी है। इसको मैं रखती हूँ फ्रीजर में और हम केक की कटिंग कर लेते हैं।
ये देखें जी, हमारा केक परफेक्टली बेक हुआ है। अब मैं इसको एक ट्रे में शिफ्ट करती हूँ, फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें, इसको मैंने टू इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया केक को। अब मैं ये इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप डालूंगी। ये मैंने थोड़े से पानी के अंदर हाफ टी स्पून चीनी मिक्स की है, उससे ये सॉफ्ट हो जाएगी हमारी पेस्ट्रीज। थोड़ा सा पानी मैं इस पे ब्रश करूंगी और थोड़ा सा पानी इधर डालूंगी स्पून से। आपको अगर ज्यादा सॉफ्ट पसंद है तो फिर आप ज्यादा इसको सॉफ्ट कर लें, लेकिन फिर हमने इनको एक दूसरे के ऊपर भी रखना है, फिर पेस्ट्रीज टूटना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो फ्रॉस्टिंग है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे, पहले एक साइड पे लगाएंगे फिर दूसरी साइड, फिर इसको ऊपर रख के फिर दूसरी साइड से इसको कवर करेंगे। अब केयरफुली ये वाला पार्ट जो है मैं उठा के इस तरह इसके ऊपर रखूंगी, और अब हम इसको सारे को कवर करेंगे क्रीम से। ये देखें फ्रॉस्टिंग अब मैंने इसकी कर ली। अब आपको जो साइज इसका पसंद है आप उस साइज में इसको कट कर लो पेस्ट्री को। ये देखें जी, ये है हमारी पेस्ट्री इसकी फाइनल लुक। अब आप इसको बनाइएगा और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कॉमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। So soft, so creamy, love the pastry.